Hi, and welcome to your रीडिंग. वेलकम टू द चैनल. आई होप आप सब लोग खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, एंड जितना हो सके, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा पर्सनली. अदरवाइज़ आप मैसेजेस को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. एंड हम लोग आज बात करेंगे हमारे कैंसर्स के बारे में. जो लोग काइंड ऑफ कैंसर एनर्जी को बिलोंग करते हो, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज. दिस इज़ फॉर ऑगस्ट सेकेंड हाफ, ऑगस्ट द लास्ट 15 डेज, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं वहाँ से. लेट्स सी, लेट्स ब्रिंग द एनर्जीज टू यू. कैंसर्स फॉर ऑगस्ट सेकेंड हाफ. ओके, firstly we have be supportive, make a genuine effort to show you care, and second we have thinking woman number 45 or number 47 important ho sakta hai, but again zaruri nahi hai. Okay, first of all आई कैन सी कैंसर्स. जो फर्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे फील हो रहा है इज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू हो रहा है चीज़ों पे या लोगों पे. आप कुछ करने जा रहे हो, करने के बारे में सोच रहे हो, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं, कुछ लोग आपके सामने हैं, बट कहीं ना कहीं आप पूरे दिल से चीज़ों को कर नहीं पा रहे हो. आप पूरे दिल से किसी रिश्ते को निभा नहीं पा रहे हो, पूरे दिल से आप किसी चीज़ में हाँ या ना नहीं कह पा रहे हो, बिकॉज आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है. आपको बार बार ये लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, या मुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा इस डिसीजन को, या ये पर्सन कहीं मुझे यू नो बिट्रे तो नहीं करेंगे. सो वॉट एवर इट इज़, आप किसी चीज़ में एंटर कर रहे हो, आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना तो चाहते हो या कुछ एक्शन तो ले रहे हो, लेकिन पूरे दिल से नहीं, क्योंकि आप अभी भी श्योर नहीं हो वेदर आप सही हो या आप नहीं हो. आप हमेशा आप इस टाइम पे कंफर्मेशन ढूंढ रहे हो. आप काइंड ऑफ एक चीज़ों को डबल चेक करना चाहते हो. आप एकदम कंफर्म, एकदम श्योर होना चाहते हो चीज़ों के बारे में, ठीक है. बट वॉट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस इसलिए आते हैं बिकॉज यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेस्टिंग यू दैट आप कितने अपने आप के साथ आप कितना बैलेंस रख पाते हो, या आप कुछ चुनौतियों में कैसे खड़े उतरते हो, या आप अपने आप को कैसे किसी प्रॉब्लम से निकालते हो, या आप अपने आप का सहारा कैसे बन सकते हो. आप मान लीजिए कि यही आपका इस टाइम पे आपका लेसन है या आपका टेस्ट है जो यूनिवर्स ले रहे हैं, कि आप क्या खुद का सहारा बन सकते हो या नहीं, क्या आप खुद को खुद की जिम्मेदारी ले सकते हो या नहीं, क्या आप खुद के लिए वो चीज़ें कर सकते हो या नहीं जो मे बी आप दूसरों के लिए करते हो, या आप सिर्फ सोचते हो मैं करूँगा या मैं करूँगी, बट इट्स टाइम फॉर सम एक्शन. आई थिंक आपका करियर, आपका जॉब, बिजनेस, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एजुकेशन, इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा घिरे हुए हो इस टाइम पे, या आपका करियर इस टाइम पे काइंड ऑफ बहुत सारे मूवमेंट्स दिखा रहे हैं आपको. करियर में यू आर फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड, कि बहुत ज़्यादा काम है मुझे, बहुत सारा प्रेशर है मेरे ऊपर, मे बी बहुत लंबा सिलेबस मुझे ख़त्म करना है, मेरे एग्ज़ाम्स नज़दीक है, या करियर में आप बहुत सीरियस लग रहे हो. करियर इस वक्त आपके माइंड में ज़्यादा करके चल रहा है बिकॉज़
या तो आप कहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, किसी कंपनी में जॉब करना है, किसी कुछ भी लाइक बिजनेस शुरू करना है, या तो दिस इज़ मोर अबाउट कि आपके ऊपर दूसरे लोग आके प्रेशर दे रहे हैं, आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके पेरेंट्स, या आपका जो क्लाइंट्स है, वॉट एवर वॉट एवर. सो यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर एंड ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने करियर को ही देने वाले हैं. ऑल्सो आई कैन सी दैट आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशंस भी हो रहे हैं. सो अगर आप किसी प्रमोशन के वेट में थे, अगर आप किसी जॉब चेंज के वेट कर रहे थे, या नया जॉब या समथिंग जो ऑलरेडी मे बी आपको पता था कि आ रहा है, होने वाला है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कब होगा, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन दिस इज़ हैपनिंग, लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, अ शिफ्ट. ठीक है, बस ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपको ऑलरेडी पता है. दिस इज़ समथिंग जो आपने खुद प्लान किया है, जिसके लिए आपने खुद मेहनत किया है, जिसके लिए मे बी आप मैनिफेस्ट किए हो इस चेंज को, एंड ये चेंज फाइनली होने वाला है आपके सामने. सो करियर रिलेटेड चेंजेस, मूवमेंट्स आप डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. आई एम सीइंग दैट आपका करियर में ना ही कुछ बहुत लाइक आपका जो करियर ग्राफ ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है, बट आई एम सीइंग दैट आप काइंड ऑफ अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हो, आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हो, या आप अपने काम के ऊपर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील कर पा रहे हो. आपका परफॉर्मेंस लेवल बेटर हो रहा है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, आप पहले अगर 50% एफिशिएंसी के साथ करते थे, 50% कॉन्फिडेंस के साथ करते थे, तो आप अब उसे 100% के साथ कर रहे हो. तो लोगों को और आपको खुद को भी अपने काम में जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहा है, कि पहले आपके काम का जो परफॉर्मेंस होता था वो ऐसा था, अब बहुत लाइक उससे बहुत बेटर है. अपॉर्चुनिटीज़ कुछ आने वाले हैं आई थिंक फॉर यू गाइज कैंसर्स, या वर्क इज समथिंग जो और एक चीज़ है कि आपका काम या आपका वर्क, आपका करियर के वजह से आप कुछ चीज़ों से दूर हो, या आपको लग रहा है कि मेरे काम के वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, या मुझे वो टाइम नहीं मिलता, या मुझे वो लाइक फिनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलता कि मैं ये करूँ. सो मे बी आपको लग रहा है कि मान लीजिए कि आप जॉब कर रहे हो, आपको ऐसा हो सकता है कि लगे कि जो बिजनेस वाले लोग हैं वो कितने मस्त हैं, कितना अच्छा है उनका लाइफ, कितना मज़े से जी रहे हैं, कितने अबंडेंट है. जो बिजनेस में है उन्हें लग रहा है कि जॉब वाले ही सही है, फिक्स सैलरी है, फिक्स्ड ये है वो है, कितना अच्छा एक एम्बियंस है ये है. जो लोग मे बी स्टूडेंट हो, आप कुछ किसी और को देख रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे हम तो स्टूडेंट हैं, काश हमारे पास भी ऐसा जॉब होता, काश हमारे पास भी इतने पैसे होते. सो देर इज़ सम लाइक एनर्जी ऑफ थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, और करियर के चलते आप कुछ चीज़ों को इस टाइम पे मिस आउट भी करोगे, कुछ प्लान्स कैंसिल कर सकते हो, या मे बी कैंसिल हो सकता है आपके, हो सकता है कि आपकी कुछ छुट्टियाँ जो आपने मे बी अप्लाई किया था छुट्टियों के लिए वो कैंसिल हो जाए, या हो सकता है कि आपको लगे कि जिस तरीके का काम आप करते हो, या अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जाए, या मे बी सारे लोग जा रहे हैं बट आपको पीछे रह जाना पड़े बिकॉज़ आपका काम है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये है वो है, आई डोंट नो व्हाट, बट देर आर सम थिंग्स जो आप अपने करियर के लिए इस टाइम पे सैक्रिफाइस करने वाले हैं कैंसर्स. ओके, अब आपके पास कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है बेसिकली, बट ये लोग आपको एक अलग नज़रिया देंगे किसी चीज़ में. सो आप एक माइंड सेट लेके चल रहे हो, एंड आप देखोगे कि सडनली आप बहुत रैंडमली में भी किसी से बात करो, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, या फ़ोन कॉल पे, एंड सडनली ये पर्सन आपको एक ऐसा नज़रिया दे आप ही के बारे में, आप ही की ज़िंदगी के बारे में, जो आपका दिमाग को ही थोड़ा सा चेंज कर दे. आपको लगे हाँ, मतलब ये भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो कर सकते हैं, इट्स अ गुड आइडिया, या ये चीज़ मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई. सो समबडी हियर विल गिव यू सम आइडिया, आपका कुछ नया प्लान
नज़रिया, एक नया आइडिया आपको दिया जा रहा है जो आपके कुछ कुछ चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है फॉर नाउ, अभी के लिए। कुछ प्रॉब्लम्स आपके अब और प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे क्योंकि किसी और से आपको कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं, आपको हेल्प मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको यू नो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस मिल रहा है, एडवाइस मिल रही है। सो यू आर फीलिंग मोर बेटर क्योंकि आपको लग रहा है इस गाइडेंस से मेरे कुछ प्रॉब्लम्स चलो अभी के लिए तो ख़त्म हुए, मैं थोड़ा सा सांस ले सकता हूँ या मैं थोड़ा सा चैन की नींद ले सकता हूँ काइंड ऑफ। आपके रोमांटिक लाइफ में या इमोशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में व्हाट यूनिवर्स इज टेलिंग यू इज प्रॉब्लम जहाँ पे है आप उसको नहीं देख रहे हो, बट जो प्रॉब्लम नहीं है आप उसको प्रॉब्लम सोच रहे हो या ज़बरदस्ती उसे प्रॉब्लम का टैग दे रहे हो। सो मान लो कि आप किसी के साथ है एंड आप दोनों बहुत बिजी है तो उतना बात नहीं होता है आपका इस पर्सन से, आप उसको एक बहुत मेजर प्रॉब्लम मान रहे हो कि बात नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं हो रहा है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है ही नहीं। मे भी हो सकता है मेन प्रॉब्लम कुछ और है कि आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है या आप दोनों में से कोई एक है जो यू नो थोड़ा सा ये वन साइडेड है, वट एवर, लाइक कुछ भी एक मेजर प्रॉब्लम है, बट मेजर प्रॉब्लम को आप एड्रेस नहीं करके आप एक छोटे मोटे किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा बिजी हो रहे हो कि ये क्यों है, वो क्यों। अरे मेन जो प्रॉब्लम है उसे देखो, इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व हो सकते हैं आज नहीं तो कल, बट मेन जो प्रॉब्लम है या मेन जो चैलेंज है इस कनेक्शन में, मेन जो इशू जिसे एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये कनेक्शन ग्रो हो सके, ताकि इसमें कुछ लॉन्ग टर्म आ सके, वो कोई नहीं देख रहा है। सब छोटे मोटे चीज़ों को लेके परे है, कि ये यहाँ पे ऐसा क्यों है, उस कनेक्शन लाइक whatever. सो यू नीड टू हैव अ एनालिसिस। अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात करना चाहिए आपको, या आपको या आपके पार्टनर किसी एक को तो यहाँ पे लगता है कि कोई मेजर इशू है, लेकिन जिसको भी ये लगता है वो उस इशू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये इशू चला जाएगा समय के साथ, या अभी नहीं, अभी मुझे कोई लाइक मेरे पास आइडिया नहीं है हाउ टू डील विथ इट, तो बाद में देखा जाएगा। एंड यू गाइज आर नॉट कम्युनिकेटिंग प्रॉपरली, तो एक कम्युनिकेशन गैप मुझे दिख रहा है जिसके चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकते हैं या फिर कुछ इश्यूज अनरिजॉल्व्ड रह सकते हैं जो आज आप लोग जिस पे मिट्टी डाल रहे हो, लेकिन कल को वो चीज़ फिर से उभर के आएगी, कल को वो प्रॉब्लम फिर से एक प्रॉब्लम बनेगी। सो आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकल बनना होगा, प्रैक्टिकल बनना होगा, आपको काइंड ऑफ चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। Also, this is for some of you cancers, ये सब के लिए नहीं है। आप किसी का दिल जीत रहे हो, आई नो ये सुनने में बहुत क्लीशे लग सकता है, बट इट्स लाइक आप कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा बोल रहे हो दैट कोई आप पे यू नो काइंड ऑफ दीवाना हो जाए एंड कोई आपको आपसे इम्प्रेस हो जाए, लाइक आई डोंट नो, लाइक आप ये जो भी कर रहे हो मे बी आप बहुत एफर्टलेसली कर रहे हो, मे बी आपको खुद भी नहीं पता है कि इसमें भी क्या इम्प्रेसिव है, या ये करने से थोड़ी लाइक कोई मुझे पसंद करेगा या करे वट एवर, लाइक आपको मे बी आइडिया है नहीं है डजेंट मैटर, बट आप कुछ ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो, अचीव कर रहे हो दैट पीपल आर लाइक ओ माई गॉड, लाइक यू नो ही और शी इज़ सो अट्रैक्टिव, और हाँ लाइक कैंसर को देखो, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर हैंडसम, दे आर दिस और दैट, समथिंग कुछ तो है आपकी एनर्जी में, आपके एक्शंस में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके डिसीजंस में, आपके अचीवमेंट्स में, जो लोगों को या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अट्रैक्ट कर रहा है आपके तरफ,
कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये काइंड ऑफ एक क्रश सिचुएशन है या एक न्यू रिलेशनशिप टाइप ऑफ अ सिचुएशन है जहाँ पे अभी भी वो केमिस्ट्री वो इंटेंसिटी है दोनों में एंड आप इस पर्सन को इम्प्रेस कर पा रहे हो आराम से, ये पर्सन आपसे इम्प्रेस होके आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं या एटलीस्ट इनके एक्शन से आपको दिख रहा है कि ये पर्सन कितना ज़्यादा इम्प्रेस्ड है आपसे, ये पर्सन कितना ज़्यादा मे बी इस काइंड ऑफ फॉलिंग इन लव विथ यू वाला एनर्जी। सो ये बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके लिए बिकॉज मुझे नहीं लगता ये चीज़ आप खुद प्लानफुली कर रहे हो, लाइक सडनली हो रहा है सडनली, एंड ये सबके लिए नहीं है, दिस आर फॉर वेरी स्पेसिफिक ऑफ यू कैंसर्स जो किसी ऐसे सिचुएशन में हो अभी। आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक देर इज ऑल्सो अ न्यू कनेक्शन या ये पर्सन ऑलरेडी आपके आस पास है जिसके साथ ये न्यू कनेक्शन शुरू होने वाला है, बट मे बी आप अभी फ्रेंड्स हो या आप बस एक अट्रैक्शन फील करते हो या आप बस टॉकिंग स्टेज में हो या इस पर्सन का अभी रिश्ता आया है समथिंग, लाइक अभी भी ये रिलेशनशिप में आप लोग गए नहीं हो बट स्पिरिट इज़ लाइक कि दिस इज़ योर फ्यूचर पार्टनर एंड इस पर्सन को आप कैसे पहचानोगे, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इनके परफ्यूम से, आई डोंट नो वाई बट किसी का परफ्यूम यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, या तो ये पर्सन आपको परफ्यूम गिफ्ट किए हैं या आप किए हो या इनका परफ्यूम आपको बहुत अच्छा लगता है या देयर समथिंग विद परफ्यूम, ओके आई डोंट नो लाइक ऐसा कुछ है अगर तो ये आपके लिए है मैसेज दैट दिस इज द परफ्यूम पर्सन इज योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है आई डोंट नो या सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, आई थिंक इतना ही है बस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर एंड ऑफ कोर्स आपका अगस्त बहुत अच्छे से बीते, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड एंड मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे इन्फॉर्मेशन्स दिए हुए हैं, बाकी दो चैनल्स के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, यू कैन गो चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू एंड आई अगेन सी यू इन अनदर रीडिंग मे बी, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।